जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बेंगलोर आए हैं कांतिरवा स्टेडियम में। ये हमारे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कांतिरवा स्टेडियम है। यहाँ पे अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भी हुआ था और ओपन नेशनल भी यहाँ पे हुआ था इसी साल दिसंबर में। ये स्टेडियम देखिए बहुत बढ़िया है। आइए आपको हम दिखाते हैं यहाँ का स्टेडियम। यहाँ पे 200 भी स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम भी है 50 मीटर का, जहाँ पे वार्म करते हैं। हम आपको वो भी दिखाएंगे। आइए आपको स्टेडियम दिखाते हैं। हम आप देख सकते हैं ये लॉन्ग जंप है और ट्रिपल जंप है, और ये जो ऊपर आपको स्टेज दिखाई दे रहा है ये मेडल सेरेमनी है। देख सकते हैं आप, ग्राउंड भी यहाँ का बहुत बढ़िया है। ये उधर पोलवाट का गद्दा रखा हुआ है और उसी के बगल में स्टीपल चेस भी है। ये देखिए ग्राउंड है, इधर जिम है, यहाँ पे जिम है, इधर फिजियोथेरेपी होता है। देख सकते हैं कि ग्राउंड के पीछे कितना बढ़िया बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। इधर लाइट वाइट भी है और ये जो बिल्डिंग हम आपको बताए हैं ये विजय माल्या का बिल्डिंग है। सोचिए हम इनके घर के पास हैं, देख सकते हैं कितना बढ़िया बिल्डिंग है ये। और यहाँ से 400 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट है, उधर हाई जंप का गद्दा है और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ फुटबॉल का ग्राउंड बहुत बढ़िया है। ग्रास यहाँ पे एकदम मेंटेन रखा गया है, आपको कहीं ऊबड़ खाबड़ ग्रास भी नहीं दिखाई देगा। इस फुटबॉल ग्राउंड में 2022 का हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल मैच हो रहे हैं, 10 होने वाले हैं और 2 हो चुके हैं, अभी 8 होंगे। और इधर देख सकते हैं फुटबॉल मैच चलता है तो यहीं पे ही इसी टीवी में दिखाया जाता है कि किस टीम का कितना गोल है। और यहाँ पे जबलिंग फेंकाता है, ये देखिए जबलिंग फेंकने वाला है। यहाँ पे नीरज चोपड़ा भी आ चुके हैं जबलिंग फेंकने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे डिस्कस हैमर और गोला का ये है, इस पर नेट लगा था, अभी यहाँ पे नेट और हट चुका है। ये देख लीजिए ग्राउंड, ये जो हम आपको बता रहे थे हीरो इंडियन सुपर लीग, ये आपको दिखाई। ये देखिए बैनर लगे यहाँ पे, ये गेम गेट है। आइए हम आपको दिखाते हैं अब इंदौर में जो हम 50 मीटर ग्राउंड बताए थे, आइए हम आपको दिखाते हैं वो ग्राउंड। इसके बाद हम दिखाते हैं 200 मीटर का ग्राउंड। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इंदौर स्टेडियम भी है और 100 मीटर का है। ये देखिए हम इंदौर स्टेडियम में आ गए हैं, इधर रूम भी है। पचास मीटर का ये स्टेडियम है, ये देखिए 50 मीटर का ग्राउंड है। ये देख लीजिए इस पर भी सिंथेटिक बिछा हुआ है, ये वार्म अप के लिए है इंडोर में, कि बाहर थोड़ा पानी उनी और बाहर मौसम थोड़ा बरसात का और ठंडा होता है तो यहाँ पे वार्म अप करने के लिए। और जो यहाँ पे लड़के वर्क करते हैं उनका देखिए सामान रखा हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया भी यहाँ पे सामान। और देख रहे हैं बड़ा बड़ा बक्सा है, सोचिए 3-3 ताला लगा है, समझ लीजिए कितना बढ़िया इसमें सामान रखा होगा। ये देखिए कितना बड़ा बक्सा इधर है, देख रहे हैं इधर बॉक्स जंप भी है, इधर हेडल भी है और अंदर जिम का भी सामान है। अब हम लोग चल रहे हैं 200 मीटर ग्राउंड की तरफ, आपको हम दिखाते हैं अब 200 मीटर ग्राउंड। ये गेट है, गेट से बाहर निकल गए हम। ये देखिए हम 200 मीटर ग्राउंड की तरफ से जा रहे हैं। ये थोड़ा से हिल टाइप में है, अब हम लोग 200 मीटर ग्राउंड पे आ गए। आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पे वर्क हो रहा है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्चरी गेम हो रहा है। 200 मीटर हम लोग ये दौड़ने वाला ग्राउंड है, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है आर्चरी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर रखा हुआ भी है और इधर पे अभी कंपटीशन हो रहा है, इधर भी है। ये 200 मीटर का ग्राउंड है, इस पे कंपटीशन इन लोग का हो रहा है। हम आप लोग को यहाँ का ग्राउंड दिखा चुके हैं, अभी अंदर 400 मीटर का और 50 मीटर का इंडोर भी दिखाए हैं। यहाँ पे 200 मीटर ग्राउंड है, देख सकते हैं आप, हमारे पीछे गेम भी हो रहा है और सभी का। और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।